हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बानो। आज मैं आपके साथ मैखली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी ताकि आप आसानी से बना सके इसे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैखलिया बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। अब मैं ये गोश्त कुकर में डाल दूंगी। मैं बहुत ही आसान तरीके से मैखलिया बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान और तरीका झटपट से बन जाता है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून की जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। और 1/4 टीस्पून की जितना हल्दी डालूंगी। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसमें मैं 1/4 कप के जितना पानी डाल दूंगी। अब मैं कुकर को कवर करके 4 विजल ले लूंगी। अब मैं बाकी की तैयारी कर लूंगी। मैंने 3 प्याज को ऐसे चॉप करके रख दिया है। मैंने 2 टेबलस्पून फल्ली लिया है। मैंने 2 टेबलस्पून के जितना सूखा खोपरा लिया है, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसे ग्रेट कर सकते हैं। और मैंने 1.5 टेबलस्पून के जितना तिल लिया है, 1 टेबलस्पून की जितना जीरा, 1 टेबलस्पून की जितना साबित धनिया। अब मैं ये सारे चीज़ों को रोस्ट कर लूँगी। मैंने चूल्हे पे पैन रख दिया है, गरम होने आ चुका है। अब मैं इसमें फल्ली डाल दूँगी। फल्ली को अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें सूखा खोपरा डाल दूंगी। अब मैं इसमें तिल डाल दूंगी। अब मैं इसे प्लेट पे निकाल दूंगी। अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। इसे लाइट भूनने के बाद मैं इसमें धनिया डाल दूंगी। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है भुने हुए जीरा और धनिये में। अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसे निकाल दूंगी। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून की जितना ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें ऑनियन फ्राई करूंगी। इसे मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल दूंगी। अब मैं ये सारे मसालों को ग्राइंड कर लूंगी।
पहले मैं इसे सूखा ग्राइंड करूंगी, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करूंगी, इसका पेस्ट बना लूंगी। मैंने इमली भिगा दिया है, मैंने इतना सा ही इमली भिगाया है। आप अगर ज्यादा खट्टा खाते हैं तो थोड़ा ज्यादा भिगाइए इमली, अगर कम खट्टा खाते हैं तो कम भिगाइए इमली। गोश्त अच्छे से गल चुका है, मैंने चूल्हे में कढ़ाई रख दिया है। मैंने 4 टेबलस्पून की जितना ऑयल लिया है, ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें बघार डाल दूंगी। बघार के लिए मैंने 1 टीस्पून के जितना जीरा, 1 चुटकी की जितनी कलौंजी, करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च लिया है मैंने। अब मैं ये बघार तेल में डाल दूंगी। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूंगी जिसे मैंने बॉईल करके रख दिया है। गोश्त को अच्छे से मैं ऑयल में फ्राई कर लूंगी। गोश्त को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। मैंने 1.5 टीस्पून की जितना लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। अब मैं ये सारे मसाले गोश्त पे डाल दूंगी। डाल के मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब मैं ये पेस्ट इसमें डाल दूंगी, तिल फल्ली सूखे खोपरे का पेस्ट इसमें डाल दूंगी मैं गोश्त में। और इसे अच्छे से भून लूंगी मैं। मैंने जार में 1/2 कप के जितना पानी डाल के खंगाल के डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से भून लूंगी वरना कच्ची बास आएगी। जब तक मसाले में तेल छूटता है तब तक मैं इसे अच्छे से भून लूंगी। मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें इमली का पल्प डाल दूंगी। और मैं इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम में पका लूंगी। मैंने इसे लो फ्लेम में 10 मिनट तक पका दिया है। अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दूंगी। मैंने हरी मिर्च को साइड से स्लिट कर लिया है और हरा धनिया को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी। मैं खलिया बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।